अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मालूम है कि आपकी क्लास में स्वर की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाना सीख रहे हैं। अब तक आपने ऊ की मात्रा छोटी छोटा ऊ स्वर अक्षर और उसकी मात्रा सीख चुके हैं पिछली क्लास में पार्ट नंबर 9 में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 10 में क्या सीखेंगे, कौन सा स्वर अक्षर है यहाँ पर, देखिए आप, ये हमारा स्वर अक्षर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है ना, बड़े ऊ के बाजू क्या है, उसकी मात्रा। देखिए छोटा ऊ कैसा होता है और बड़ा ऊ कैसा होता है, अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, व्यंजन, कौन सा व्यंजन है, चा। चा के नीचे कौन सी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। फिर व्यंजन फा, फा के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा, फू। नेक्स्ट व्यंजन खा, खा के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा, खू। फिर नेक्स्ट ला, ला के नीचे कौन सी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, लू। नेक्स्ट लास्ट व्यंजन जा, जा के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा, जू। अब इसी को लेकर यहाँ पर शब्द बनाए हैं, चलिए देखेंगे हम। फर्स्ट चित्र क्या है, चूहा है, बॉय है, हम क्या है देखेंगे हम, ऊपर जा, बड़ा ऊ हमारा क्या है यहाँ, डायरेक्ट ऊ है, कौन सा ऊ, बड़ा ऊ। ऊपर ऊ पा रा, ऊपर, यहाँ पर ये क्या हुआ, तीन अक्षर वाला शब्द हो गया, ऊ पा रा, ऊपर। जा, आ की मात्रा, जा, ऊपर जा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन चा, चा है ना यहाँ पर व्यंजन अक्षरों में ऊपर, तो चा, चा के नीचे ऊ की मात्रा। फिर नेक्स्ट व्यंजन हा, नेक्स्ट आ की मात्रा, क्या हो गया हमारा, चा ऊ चू हा, हा आ हा, क्या हो गया, चूहा। पा का रा, पकड़, ये भी हो गया तीन अक्षर वाला शब्द, पा का रा, पकड़, चूहा पकड़। ऊपर जा, चूहा पकड़, ऊपर जा, चूहा पकड़। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर, बॉय क्या है, जूता पहन रहा है, दिख रहा है ना आपको चित्र में। जा, ऊ की मात्रा, ता, आ की मात्रा, जूता। जा ऊ जू, ता आ ता, जूता। पा हा ना, पहन, जूता पहन, पा हा ना पहन, ये क्या हुआ, तीन अक्षर वाला शब्द हो गया आपका। दा, ऊ की, नेक्स्ट लाइन दा, ऊ की मात्रा रा, दूर, चाला चल, दो अक्षर वाला शब्द, दूर चल, जूता पहन, दूर चल। नेक्स्ट लाइन फूल, फा ऊ की मात्रा ला, फूल, ला ऊ की मात्रा टा, फूल, लूट। नेक्स्ट लाइन खा ऊ की मात्रा बा, खूब। नेक्स्ट शब्द खा ऊ की मात्रा, कौन सा व्यंजन है ये है व्यंजन शा, इसको आ की मात्रा अलहदा से नहीं बोलेंगे, ये पूरा एक व्यंजन है, कौन सा, शा। शा के बाद क्या है व्यंजन बा, बा के नीचे क्या है, बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ पर देखिए दोनों मात्राएं हैं ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, दोनों से अच्छे से, दोनों मात्राओं को अच्छे से जहन में बिठा लीजिए। खा के नीचे कौन सी है, छोटे ऊ की मात्रा, और बा के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा। खुशबू, खूब खुशबू, क्या हो गया हमारा सेंटेंस, फूल, लूट, खूब खुशबू। तो चलिए और एक बार से, ऊपर जा, चूहा पकड़। नेक्स्ट लाइन जूता पहन, दूर चल। नेक्स्ट लाइन फूल, लूट, खूब खुशबू। आप ये दोनों मात्राओं को अच्छे से देखिए कि छोटी ऊ की मात्रा कैसी होती है और बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से होती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक देखेंगे, लिखो और शब्द पूरा करो, लिखना, लिखकर शब्द पूरा करना है आपको। फिर यहाँ पर पहले की तरह क्या है, लास्ट के अक्षर दिए गए हैं आपको, फर्स्ट अक्षर लिखकर क्या करना है, शब्द को पूरा करना है। क्या है पहले, पारा पर, यहाँ क्या है देखिए, बड़ा ऊ पारा पर, ऊपर। नेक्स्ट चा, बड़े ऊ की मात्रा, हा आ की मात्रा, चूहा। नेक्स्ट जा, बड़े ऊ की मात्रा, ता आ की मात्रा, क्या हो गया, जूता। चा ऊचू हा आ हा, चूहा। जा ऊजू ता आ ता, जूता। यहाँ पर क्या है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट अक्षर लिखकर शब्द को पूरा करना है। पारा पर दिया गया है आपको, फर्स्ट अक्षर यहाँ पर देख के
लिखना है। क्या लिखना है? बड़ा ऊ। सिर्फ यहाँ पर स्वर अक्षर ऊ लिखना है, जिससे हमारा शब्द बन गया ऊपर। ऊ पा रा पर ऊपर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? हा और आ की मात्रा दिया गया है। फर्स्ट अक्षर क्या होता है? चा। ऊ की मात्रा चूहा। चा ऊ की मात्रा हा। आ की मात्रा क्या बन गया हमारा? चूहा। नेक्स्ट लास्ट लाइन ता और आ की मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? फर्स्ट अक्षर लिखकर शब्द को कंप्लीट करना है। फर्स्ट अक्षर में क्या आना है बोलिए बच्चों? आप अच्छे से पीछे पिछली क्लास में लिख चुके हैं, उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट अक्षर देख के यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पेंसिल से लिखना है। क्या है फर्स्ट अक्षर हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? जा। जा जा लिख के उसके नीचे कौन सी ऊ की मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा लिखना है, जिससे आपका शब्द क्या बन गया? जा बड़े ऊ। बड़े ऊ की मात्रा जू। ता आ की मात्रा ता। क्या बन गया? जूता। देखिए ऊ पारा ऊपर, चा ऊ की मात्रा हा, आ की मात्रा चूहा, जा ऊ की मात्रा ता, आ की मात्रा जूता। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट। नेक्स्ट बॉक्स क्या है? देखो और लिखो। देखना फिर उसी तरह यहाँ पर भी पिछली क्लास में के जैसा लिखना है। फर्स्ट क्या है? फूल। फा ऊ की मात्रा ला। सेकेंड बॉक्स खा ऊ की मात्रा बा खूब। यहाँ पर क्या है? नया अक्ष दूर चल है ना वहां पर ऊपर। दा ऊ की मात्रा रा। इसी में से जो ऊपर आप पढ़े हैं वही शब्द यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, सिर्फ आपको पेंसिल से देख के लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो बाजू खाली कॉलम दिया गया है ना वहां पर क्या लिखना है? फा ऊ की मात्रा ला फूल है ना, आपको बाजू वही कॉलम में आपको पेंसिल से लिखना है। फा बड़े ऊ की मात्रा ला फूल। फूल में अच्छे से याद रखिए कि फूल में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? खूब। खा कौन सी ऊ की मात्रा है बोलिए? बड़े ऊ की मात्रा खा। बड़े ऊ की मात्रा बा। क्या बन गया? खूब। फूल खूब। नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या है? दा। दा के नीचे कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा दा। बड़े ऊ की मात्रा रा। क्या हो गया हमारा शब्द? दूर है ना, जरा खींची हुई आवाज आ रही ना, इसलिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए ऊपर चूहा जूता, ये हो गया हमारा फर्स्ट अक्षर से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या है? तीन वर्ड दिए गए हैं, तीन शब्द दिए गए हैं, वही तीन शब्द को यहाँ बाजू जो एम्प्टी बॉक्स है ना वो एम्प्टी बॉक्स में एज इट इज आपको पेंसिल से लिखना है। फा ऊ की मात्रा ला फूल। नेक्स्ट बॉक्स खा ऊ की मात्रा बा खूब। नेक्स्ट लास्ट लाइन दा ऊ की मात्रा रा। क्या हो गया हमारा? दूर। तो आ रहा ना बच्चों समझ में, कैसा लिखना कैसा पढ़ना एक एक अक्षर? इसको भी पिछली क्लास के जैसा क्या करना है आपको? एक एक अक्षर और एक एक मात्रा बोलते हुए आपको शब्द पढ़ना है, फिर आपको पेंसिल से वही शब्द को लिखना है। तो आज हो गया ये हमारा पार्ट नंबर 10 में कौन सी ऊ की मात्रा, कौन सा स्वर अक्षर ऊ और उस ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द आज की क्लास में हमने सीख चुके हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।